हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम प्रशांत और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको पिक्सेल लैब के मदद से एक परफेक्ट आउटडोर डिजाइन आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। आप भी कैसे बना सकते हो वो भी दिखाऊंगा। सो इस वीडियो एंड तक देखना, और इस चैनल पे आप नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन से प्रेस कीजिए। मैं जब भी कोई ऐसा नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन करना पड़ेगा। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा, तो आपको राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, आप वैसे क्लिक कीजिए। आपको इमेज साइज पर जाना है, ठीक है। इमेज साइज पर जाने के बाद आपको कास्टूम पर क्लिक करना है। कास्टूम पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके। तो आपको क्या करना है, आपको कलर चूज करना है। तो मैं कलर पर क्लिक किया तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे, कलर और ग्रेडियंट। आपको कलर में सिंगल कलर दिखाई देगा, आपको बहुत सारे कलर है, आपको सिंगल में दिखाई देगा, ठीक है। आपको ग्रेडियंट में आपको अलग अलग कलर दिखाई देगा, एक के अंदर दो तीन कलर दिखाई देगा। तो मैं एक कलर चूज़ किया ग्रेडियंट पे। और दोस्तों आपको जो न्यू टीज लिखा दिख रहे, आप उसे क्लिक करके उसे सिंपली डिलीट कर दीजिए, आपका जो पेज है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सेव्स पे सिंपली आपको सेव्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब सेव्स आ गया तो आपको इस तरह से आपको छोटा सा स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। आप इसे स्क्वायर बनाइए, आपको मिडिल में वो स्क्वायर बना के तो मिडिल पे रखना होगा, ठीक है। मिडिल पे रखना होगा तो आपको एक तो क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। आपको डुप्लीकेट बनाना होगा, कॉपी कॉपी पे क्लिक कीजिए। आपको जो फाइल है वो कॉपी हो गया तो आप इसे राइट साइड में रख दें, ठीक है। और उसको लेफ्ट साइड में फिर आपको फिर शेप्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आप सिलेक्ट करें, शेप्स पे क्लिक कीजिए। शेप्स पे क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे शेप्स मिल जाएगा, तो आपको सर्कल लेना होगा। मैं सर्कल पे क्लिक किया, उसको मैं छोटा कर दिया, ठीक है। आपका आप जिस साइज पे रखना चाहते हो आप उस साइज पे रखें, ठीक है। आपका जिस कलर पसंद है आपका मर्जी से आप ले सकते हो। तो मैं इसे ओके कर दिया। फिर आपको जाना होगा टेक्स्ट पे, ठीक है। आप उस टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसे एडिट कीजिए। आपका जो मैं इसे लिखूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर सब ओके कर दीजिए। आपको क्या करना होगा, आपको फॉन्ट चूज करना पड़ेगा। आप ऐसे सब कुछ मिल जाएगा, फॉन्ट पे जाके आप कोई एक फॉन्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना होगा स्ट्रोक पर, आप स्ट्रोक एनेबल कर दीजिए, आपका जितना चाहिए आप उसे ले लीजिए। फिर आपको साइज पर जाना होगा, मैं ओके कर दिया। उसके बाद आपको साइज पर जाना होगा, आप जिस साइज पर रखना चाहते हो उसको मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं इसे कर दिया। फिर आपको जाना होगा, फिर टेक्स्ट पे जाना होगा। आपको टेक्स्ट पे जाके वैसे एडिट कीजिए, या फिर आप लिखिए, मैं इस पर लिखने वाला हूँ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लिखते बनाओ। फिर इसे नोट कर दिया। फिर मैं इसे यहाँ पे लिया, इसको मैं कलर करूँगा रेड, ठीक है। मैं इसे कलर रेड करने वाला हूँ। और इसका जो फॉन्ट है मैं इसे फॉन्ट भी चेंज कर दिया। फिर आपको स्ट्रोक पे जाना होगा, स्ट्रोक पे जाने के बाद इसे एनेबल कर दीजिए। आपका जितना चाहिए आप उसे ले सकते हो, मैं तो ओके कर दिया। फिर आपको क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसे सिलेक्ट करके इस साइड पे ले आया, हो गया। फिर आपको शेप्स पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं शेप्स पे क्लिक किया, मैं एक रेक्टेंगल शेप बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेता हूँ। फिर मैं लगा दिया। फिर मैं क्या करना पड़ेगा, इसको ओके करके मैं पहले कलर चूज करूँगा, मैं ब्लैक ले दूँ, फिर ओके। फिर मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करके शैडो दूंगा। सो जस्ट स्ट्रोक स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद अब मैं येलो कलर का एक शैडो हल्का सा शैडो आपको दिखाई देगा। मैं इसे क्लिक किया, ओके कर दिया। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे हल्का सा शैडो दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसे फिर देता हूँ टेक्स्ट पे। मैं इसे टेक्स्ट पे जाने के बाद मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी मैं इसे लिखने वाला हूँ। मैं इंस्टाग्राम आईडी आपका दे सकता हूँ, आपका व्हाट्सअप आईडी दे सकता हूँ। मैं इंस्टाग्राम आईडी मेरा जो मैं देता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं इसे ओके कर दिया। मैं इसे फॉन्ट में जाता हूँ, फॉन्ट में जाके मैं इसे मैं इसे स्ट्रोक देने वाला हूँ। मैं इसे स्ट्रोक ग्रीन कर देता हूँ। मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, मैं इसे ग्रीन स्ट्रोक दे दिया। मैं थोड़ा सा
ओके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इंस्टाग्राम इमेज है मैं इसे फाइल में क्लिक कर वो फाइल में क्लिक कर इमेज में, मैं इमेज में जाके एक इंस्टाग्राम इमेज ले आऊँगा, इंस्टाग्राम आइकन बोल सकते हो आप, मैं इसे क्लिक किया और मैं इसे अपना देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा खींच के छोटा कर लेता हूँ, बहुत छोटा है, मैं इसे साइड पे लगा देता हूँ, हो गया मेरा जो काम हो गया। आज मैं सब्सक्राइब को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा, हो गया दोस्तों। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, आप जब ऐसे रेडी करेंगे तो आप इसे देख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसको एक्सपर्ट करना है, आपको जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है आप इसे यहाँ से एक्सपर्ट कर लीजिए, तो सीधा आपको गैलरी में मिल जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको काइन मास्टर को मिलता हूँ, ठीक है, मैं आपको काइन मास्टर में जाता हूँ, इसे एक्सपर्ट कर देता हूँ, मैं काइन मास्टर खोलता हूँ, काइन मास्टर में जाता हूँ, आपको दिखा जो कैसे आप इसे म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो मैं काइन मास्टर ओपन कर लिया, फिर मैं इसे 16:9 ले लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, मीडिया पे क्लिक किया, मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको जो आउटर है वो मैं इसे ले लिया, उसके बाद ओके मैं इसे सिलेक्ट करके क्रॉप में जाता हूँ, सॉरी दोस्तों ओके मैं ये कर देता हूँ, मैं एक डिलीट कर देता हूँ। आपको क्या करना दोस्तों, आपको जो आउटर होता है आपको 22 से 23 सेकंड के अंदर रहता है, मैं इसे 21 सेकंड कर दिया, फिर आपको इसे ओके करना है, और आपका जो ऑडियो है आप इसे ऑडियो पे क्लिक करके आपको म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, ठीक है, आपको जो म्यूज़िक है आप उसे देना चाहते हो, मैं इसे क्लिक किया, मैं म्यूज़िक आ गया तो मैं इसे म्यूज़िक दे दिया, मेरा जो म्यूज़िक है वो वॉल्यूम थोड़ा हाई है, मैं इसे लो कर देता हूँ, ठीक है, इसे लो कर दिया, और मैं जो लेफ्ट एंड राइट है मैं इसको मैच कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो वॉल्यूम है लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम तरह की मुझे देना है, तो मैं इसे सेम कर दिया, फिर आपको ओके करना है, देखिए दोस्तों क्या करना है, आपको आपको सीधा जाना है, आपको जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है आप उसे एक्सपर्ट क्लिक करना है, आपका जिस रेजोल्यूशन में एक्सपर्ट करना चाहते हैं आप उसे क्लिक करके सीधा एक्सपर्ट कर दीजिए दोस्तों, आपका जो आउटर है वो आपको सिंपली एक्सपर्ट हो जाएगा, तो आपको आप इसे फिर यूज़ कर पाएंगे। सो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कीजिए, मैं जब भी कहीं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिलेगा। फ्रेंड्स मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, आपको अगर कोई वीडियो का जरूरत हो तो मुझे कमेंट करके बताएगा जरूर, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।